अल्ताफ अहमद भट्ट की पहली, अल्ताफ अहमद भट्ट की फैमिली को हम लोगों ने इनिशियल क्वेश्चन भेजा कि आप हमें उस बिल्डिंग में ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी, कौन रेंट पे था, क्या रेंट डीड है, आपको कमर्शियल एक्टिविटी चलाने की कहां से परमिशन मिला है, अगर आपने रेंट डीड की है तो पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अगर आपने किसी से रेंट लेते थे तो किस चैनल से होता था, तो उसके जवाब में एक या दो ऐसे कागजात आए हैं जो इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस को जिसका जवाब नहीं दे पाते हैं। हमने इनिशियल दूसरा भी सेट ऑफ क्वेश्चन उनको फिर से बोला है कि कोई और भी उनके पास दस्तावेज हो। एज ऑफ नाउ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट की फैमिली हमें ये प्रूफ नहीं कर पाई है कि बिल्डिंग में कौन था, कौन रेंटर था, क्यों दिया, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। SIT के पास जैसे जैसे फैक्ट आएगा हम उस फैक्ट के बेस पे ही आपको बोलेंगे। हम उनके जवाब का और इंतजार कर, शायद वो उधर से और कोई जवाब दे दे, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी जरूर है जो ग्राउंड फ्लोर पे 5 दुकान के साथ रहता है उसकी बिल्डिंग के ऊपर कौन रहता है वो जाने, बताए, वेरीफाई करे, और अगर कोई रहता भी है तो लीगली रहे। ये तो चीजें अभी SIT के सामने है जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। 8 बजे आर्मी की जो व्हीकल लगी है, फिर पुलिस की व्हीकल आती है। इनिशियल हमारे पास आमिर का फोटो नहीं था, हमारे पास एक फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट, ये इनपुट था जो उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। इनिशियली ये हमारे पास जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने या फिर जिनके पास गई थी जानकारी उनको ये इंटेलिजेंस बताई गई थी। उस दौरान 5 बजे आमिर जब नीचे उतरता है और आर्मी की एक पार्टी उसको रोकती है, वो वहां बैठ जाता है, उससे उसका फोन मांगा जाता है, फोन उसके पास नहीं था। आर्मी की उस टीम का कहना है कि मुझे ऐसे भी शक गया कि कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फोन उसके पास नहीं है, तो उसने उनको वहां पे बिठा लिया। लेकिन चूंकि वहां पे जब पुलिस की टीम आती है तो उसी बिल्डिंग के डॉक्टर मुदस्सिर गुल के पार्टनर पे से, जो हमारे एक विटनेस भी है, वो वहां पे पहुंचते हैं, वो इस बात का वो बयान भी देते हैं, हाँ सर मैं पहुंचा, मैंने कहा करे ये तो मिस पहचानता हूँ, ये तो डॉक्टर मुदस्सिर गुल के साथ काम करता है और ये पानी वानी ले जाता है, इसका कोई ऐसा नहीं है, वो मेरी गारंटी है, आप इसको जहाँ जा रहा है जाने दीजिए। उनके गारंटी पे और SHO के पहचान पे उनको कुछ देर के लिए चुप छोड़ा जाता है। अब आधे घंटे बाद तकरीबन 6 बजे तक जब पुलिस की एक पार्टी पहले सर्च कर लेती है बिल्डिंग को, उनको 2 कमरे बंद नजर आते हैं, आर्मी की पार्टी जाती है वो सर्च करती है 2 कमरे। DVR हमारे पास अवेलेबल है, जो DVR हमारे पास अवेलेबल है CCTV फुटेज, उस फुटेज और मौके पे जो चश्मदीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बयान है उसके बेस पे सबसे पहले 6 बजे के आसपास आमिर को भेजा गया कि भाई अपने रूम से अपना फोन लेकर वापस आ जाओ, ये पूछ कर कि कोई है तो पहले बताओ। उसने बिल्कुल ही प्लीडेड इनोसेंस, कोई नहीं है, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है, और सर इस बिल्डिंग में मैंने तो अभी तक मैं रहता हूँ, मैंने किसी को देखा नहीं, जबकि उसको पता था क्योंकि वो तो चलाता था, और ऐसे अहम सुराग सबूत मिले हैं उन दोनों के साथ होने का, उसके बावजूद उसने झूठ बोला, और वो दिखाने के लिए कि अंदर कोई नहीं है वो जाता है और थोड़ा सा सर्च करने का एक ड्रामा ही कहेंगे, या फिर सर्च करता है और वापस आता है कि मेरा फोन नहीं मिला, फर्स्ट फ्लोर से वापस आता है, कोई 2 से 3 मिनट का, 2 मिनट के अंदर सर्च करता है, चूंकि सीढ़ी है, गया सर्च किया वापस आ गया। 2 रूम पे बात आ गई कि 2 रूम बंद है, IT सॉल्यूशन वाले ने अपना रूम खोल दिया, अल्ताफ भट्ट साहब के रूम का चाबी अल्ताफ भट्ट साहब के थी, ही वॉलंटियर्ड। हमने उनको बोला कि क्या आपको भी कोई शक है, इन्हें भी बोला कि नहीं सर इस बिल्डिंग में कोई ऐसा है ही नहीं, मैं चल के दिखाता हूँ। उसने डॉक्टर गुदलगुल को भी बोला चलो यार। इन्होंने किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया कि बिल्डिंग में कोई हो भी सकता है, ना इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से किसी तरह की मदद मांगी कि आप मुझे, हो सकता है कि सर इसमें हो, मुझे BP वगैरह पहना दीजिए, मुझे कुछ ये कर लीजिए, मुझे डर है कि हो सकता है कोई हो। इवन सिक्योरिटी फोर्सेज वहां कॉर्डन में बैठी हुई है तब भी दे वर सो श्योर कि बिल्डिंग में कुछ नहीं है, दे वॉलंटियर्ड, अंदर की तरफ जाते हैं। आपने वो फुटेज देखा, 6:26 तक, यानी 6:25:58 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है, और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल
और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है लास्ट फुटेज, और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है। 10 मिनट की क्या कहानी है, हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे, लेकिन जो कहानी अभी हालात से और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था। इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनको हुआ कि ये कमरा खोलेगा कौन, तो बात आई कि आमिर ने ही, यही उस बिल्डिंग का केयर टेकर है, उसको बुलाया जाए। तो जिन हजरत के कहने पे उनको छोड़ा गया था वो वहीं पे थे, जो साइड में पब्लिक को रखा गया था, उन्होंने कहा कि मैं बुलाता हूँ। वो जाकर क्लासिक हॉस्पिटल में जिस जगह पे जिस लोकेशन पे बैठा था या इनके कोई जो नोन के साथ वो बैठा हुआ था उसको उन्होंने कॉल किया, अगर तुम्हारे पास आमिर है तो उसको वापस भेजो। उन्होंने वापस भेज दिया। इस प्रकार फिर आमिर दोबारा वापस आता है और ये कहा जाता है कि तब तक हमारे पास आमिर की फ़ोटो भी थी और तब तक हमारी जानकारी भी थी। उनमें हम लोगों ने उनसे फ़ोन मांगा, वो बोलता है कि मेरा फ़ोन बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग के अंदर है। फिर उससे पूछा जाता है कि आप बिल्डिंग में और कुछ है, वो पूरी तरह इस बात को बोलता है कि सर बिल्डिंग में कुछ नहीं है तो फ़ोन दो। फिर जो बिल्डिंग के मालिक है डॉक्टर मुदस्सिर गुल वहां भी थे, उनसे भी पूछा जाता है बिल्डिंग में कोई है, रेंट पे जिन्होंने रखा हुआ था। अल्ताफ साहब से पूछा जाता है, सब ने कहा बिल्डिंग में कोई नहीं है। आमिर को बोला गया फिर जाओ अपना फोन लेकर आओ। आमिर की अपनी बिल्डिंग में जाकर रूम में सर्च करते हुए वीडियो फुटेज भी है जो अभी इसमें शेयर नहीं किया गया है, उस सर्च करता है और दोबारा बिना फोन लिए वापस नीचे आता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बताता है कि हमारा फोन हो सकता है उन दो कमरों में बंद हो जिन दो कमरों में ताले लगे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इसके इस बयान पे हमने असर्टेन किया कि ये किन के कमरे हैं। एक आईटी सॉल्यूशन का कमरा आता है, आईटी सॉल्यूशन करके एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, और एक बिल्डिंग ऑनर का कमरा है, उसमें अल्ताफ भट्ट साहब का कमरा है। तो सबसे पहले आईटी सॉल्यूशन वाले को, आईटी सॉल्यूशन वाले कहा जाता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग में कहीं कोई सस्पिशस कुछ ऐसा दिखता है, वो बोलता है कि नहीं। तो एज पर प्रोटोकॉल ये हमेशा हमेशा जहां भी ऑपरेशन होता है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस अगर बिल्डिंग में कोई भी सस्पिशस एलिमेंट है, घर का पर्सन उसको डिक्लेयर करता है कि हाँ सर अंदर बिल्डिंग में सस्पिशस एलिमेंट है। अगर नहीं डिक्लेयर करता है उसको दिखाना है, तो आईटी सॉल्यूशन ने पहले ऑफर किया कि सर मैं खोल के दिखा देता हूँ। पहला बिल्डिंग में आईटी सॉल्यूशन वाला जाता है, अपना बिल्डिंग अपना रूम खोलता है, दिखाता है, वापस आता है। लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब, ये मुदस्सिर गुल अल्ताफ भट्ट साहब का कमरा बंद था, वो चाबी उनके पास ताला, चश्मा खोलते हैं, वहाँ बैठते हैं। वहाँ पे एक पर्सन पहले से था क्योंकि हाफ ईटन फूड वहाँ पे रखा हुआ था। उनके बीच क्या तशद्दुद होती है, क्या बातचीत होती है, जब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तकरार हुई और फॉरेन टेररिस्ट को ये बाहर से आदेश आया कि इसी ने शायद ये ऑपरेशन करवाया हो, इस शक के बिना पे उसने सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर गुल को एटीक में मारा। ये FT अभी हमारी SIT हालात के जो भी हमारे पास सबूत है उसके बेस पे ये बोल रही है, क्योंकि उनकी बॉडी एटीक के बीच में गिरी है। ऐसा भी नहीं है कि वो तैयार था, जैसे ही कोई गेट से आए उसको मार देगा, तब उनकी बॉडी गेट पे मिलनी चाहिए थी, या फिर वो हाइड आउट के अंदर बैठा हुआ है, हाइड आउट में ही मार दिया, नहीं था, वो बीच में एटीक के लगभग बीच में उनकी बॉडी मिली है। इट मीन्स रूम से बाहर जाते हुए उनको टारगेट किया गया और ठीक 6:35 DVR के मुताबिक और कुछ सेकंड के बाद हमने पहले दो फायर एटीक से, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पहले दो फायर एटीक में सुनाई दिए। ये वही फायर थे, पिस्टल फायर, क्योंकि उनके बॉडी के पास पिस्टल के ही बुलेट खोखे मिले थे। ये वही फायर थे जिसमें फॉरेन टेररिस्ट ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को टारगेट किया, मारा। उसके बाद वो नीचे आता है, या फिर आमिर और हमारे अल्ताफ साहब अगर ये उसी बीच वाले फ्लोर पे हैं,
जो हमारे बिल्डिंग ओनर है, तो आमिर चूंकि अब तो एक्सपोज हो गया और उन्होंने फायर भी कर दिया, और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ओनर को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है, वो कैसे प्रूव होता है आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर रोड के पास पड़ी हुई है कोई 83 फीट दूर। अगर कोई दो पर्सन एक ह्यूमन शील्ड लेकर आएगा तो पहला फायर करते हुए जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पहला फायर जिसको लगेगा वो वहीं गिर जाएगा। अल्ताफ भट्ट को पहला फायर लगा और वो वहीं पे गिर गया। इनिशियल फायर उन्होंने अपने ऊपर लिया जिसकी वजह से सबसे पहले एफटी बाहर निकलने में कामयाब हुआ और आमिर भी कुछ आगे निकलने में कामयाब हुआ। एफटी आगे मारा गया, आमिर थोड़ा सा गेट से ही आगे मारा गया। ये बताता है, ये सीक्वेंस बताता है कि उन लोगों ने डॉक्टर पहले डॉक्टर को ऊपर मारा और अल्ताफ भट्ट साहब को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया।